हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं? तो आपसे एक साल बाद मुलाकात हो रही है कि जैसे कि पहले आप लोगों से मुलाकात हुई थी कि गाड़ी जो है ना प्रोजेक्ट करोला 88 जो है वो हमने जो है ना रिस्टोर की थी, तो अब हमने जो है ना एक और नई गाड़ी हम लेके आए हैं सुजुकी खैबर भाई, मुबारक हो। तो उसके जो है ना अब हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आपको गाड़ी भी दिखाते हैं, साथ ही साथ हम जो है ना मैं आप ज़रा आपको अपने निक्के भरा से भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। निक्का भरा समझते हैं ना, छोटा भाई? नहीं। हाय गुलरेज, सब ठीक हैं? गुलरेज बड़ैच, तो अब आपको जो है ना वो गाड़ी भी दिखाते हैं जी। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो जी ये आ गई जी हमारी सोनी जी, बंपर टू बंपर जेन्युइन नवी नवी गड्डी आ गई साढ़े को। ये देखें जी, टोटल बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, ये ओनली बम्पर शावर्ड है फॉर फ्रेश लुक, लेडी डॉक्टर यूज कार। हाँ, रिम टाइल बाकी नहीं है? नहीं, पहले आर्मी जो है ना ऑफिसर के पास थी, उसके बाद लेडी डॉक्टर के पास गई। हाँ, बस जो है ना ये रिम टायर जो है ना वो बस ये पता नहीं ज्यादा होगी है बाकी, ये पुराने बाकी गाड़ी नहीं है सारी। हाँ, बाकी सारी नई गाड़ी देखो, इधर से भी नहीं है, समझ रहे हो? इंटीरियर चेक करो, इंटीरियर इंटीरियर ये देखो जी, इंटीरियर को कितनी प्यारी गाड़ी है, इंशाल्लाह इसको प्यारे बनाएंगे आप। इसकी लुक इंशाल्लाह जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार निकालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखो, नहीं आप ये सब इसके स्पॉट्स, अब इसके पार्ट्स हम आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताएंगे क्या क्या हमने रिप्लेस करना है, क्या क्या काम करवाने। गुलरेज साहब ज़रा बोनट खोलो, एक साल का बस हमारा जो गैप हो रहा है वो कुछ मसरूफियात वगैरह की वजह से। ये बोनट भाई चेक करो, क्या बात है यार, जेन्युइन टोटल जेन्युइन। अभी अगर किसी ने मांगा तो हमने देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देना, ये देखिए गाड़ी दे देनी, बोनट नहीं देना। फ्रंट माशाल्लाह बेहतरीन है गाड़ी का, जो है ना होती जो लगी वजी होती है ना वो कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी का भी सामान कुछ भी नहीं है, ये भी सारा इंस्टॉल करवाएंगे, एसी का भी सारा कंप्लीट होगा इंस्टॉलेशन। बोनट की हालत देखो, बोनट भी नवा है यार, बोनट नया है, इधर से ज़्यादा नहीं आया बस। चलो इंशाल्लाह, लेट्स सी, चलो चलते हैं जी आगे, अब वर्कशॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या होने वाला है, मिलते हैं फिर आपसे। लो जी, ये अब हम अपनी राइड के अंदर जो है ना वो निकल पड़े हैं वर्कशॉप के लिए। चिल एसी है, स्टीयरिंग बिल्कुल इतना जो है ना, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी वो सॉफ्ट नहीं होता जितना इसका है, वजह इसके भला क्या है, क्या इसकी अलाइनमेंट इतनी आउट है कि ये किधर जा रही है पता ही नहीं लग रहा। खत्म, बाय बाय। इंटीरियर देखो ना, मजा है, मजा है, मजा है। इसका इंटीरियर चेक करो, माउदे बचे हो, ये देखो, ये देखो, अच्छा जी माशाल्लाह जी, अब इसके जो है ना वो सस्पेंशन भी टोटल फारिग है, सस्पेंशन से आप लोग क्या कहते हैं, काम करवाएं या ना करवाएं? वैसे अभी ना आवाज़ें इसकी इस तरह की आ रही हैं, मैं गारंटी देता हूँ किसी के पास बच्चे शच्चे हैं ना तो अगर रो रहा हो तो अगर चुप करवाना हो तो हम इसको हम सस्पेंशन का काम अभी जो है ना वो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, कि वो इसके सस्पेंशन की वजह से बच्चे जो है ना वो मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल चुप हो जाएंगे। छन छन ठन की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह वो मंठारों की बस मिली थी आती होती एक ज़माना था, जो मज़े 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 फुल मज़े। गाड़ी की छत छत यार जेन्युइन है, बेहतरीन है। पीछे आ जाओ, पीछे पीछे पीछे, चलो पीछे जो पीछे, हॉर्न बहुत तेज है हमारा, सबको आवाज़ आ रही होनी है भाई, मेरा बड़ा मज़ा आ रहा है यार। स्टीयरिंग व्हील भी देखो ब्रो, ये भी नहीं है ये बस छोटा सा कट है बीच में, बाकी तो नहीं है यार। ये जो है ना ये आजकल स्पोर्ट्स जो है ना वो गाड़ियों में, हाँ जी ये अब आ रहा है, यही चल रहा है, ये देखो ये ट्रेंडिंग में है, ओवरटेक कार वो और क्या चाहिए, रिक्शे को ओवरटेक कार की और क्या चाहिए, मज़े हैं भाई मज़े, रिस्टोर होने के काबिल है फुल गाड़ी यार, रिस्टोरेशन में जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह करना है इसको भाई, इसको पूरी दुल्हन बनाना है इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह सब। One hour later. ये जनाब हम मार्केट अब विजिट कर रहे हैं ओल्ड पार्ट्स वाली,
यहाँ से हम जो है वो गाड़ी का तो सामान वगैरह हम जो है वो ढूंढ रहे हैं। इसमें अब फेंडर भी ढूंढ रहे हैं हम, बोनट भी, डैशबोर्ड वगैरह भी, तो जो मेन मतलब जो है ना जो हमारे सामने है। बाकी हमने जो है ना वो जो भी करवाना है साथ साथ देखेंगे जो भी, लेकिन जो सामने सामने है वो चीज़ हमने कहा चलो दफ़ा चेक करें। ये जनाब गाड़ी हमारी जो है खुल चुकी है, इसका मैकेनिकल काम जो है जो आगे से आवाज़ें आ रही थी बच्चों का जो है ना चुप करवाने वाली, उनके चलो वो भी करवा ही देते हैं। बताया हम जो है इसका ही सामान भी ले आए, ये बोनट आ गया और फेंडर भी जो है वो दोनों ये पड़े हैं, ये दोनों फेंडर भी आ गए। बाकी अब देखते हैं साथ साथ गाड़ी के लिए तीस हज़ार वो हम जो है लेने हैं खुद से अच्छे वाले जगह 22 के एच की ज़्यादा है, 22 के एच की ज़्यादा देंगे, बाहर पीस लेने हैं मजबूती तो रस्ट ना लगे इतनी जल्दी, 100% रिलायबिलिटी शोर हो जाके जिसमें। बाकी हमने 18 के एच की लेना है जो अंदर वाली साइड पे ना थोड़ी सी हमारी मुखिया हल्के हल्के उनको जाएंगे, हमने कहा उसके ऊपर भी पीस लगवा देते हैं मजबूती हो जाएगी। तो जी जनाब हमारा गर्मी से बुरा हाल हो चुका है, हम गाड़ी का जो है वो सस्पेंशन का भी जो है वो सामान लेके आ चुके हैं, उसमें वो गाड़ी के शॉक्स हैं, गाड़ी के जो है ना वो चिमटे हैं, बुश वगैरह, उसके अलावा सब कुछ जो है ना वो हम गाड़ी का लेके आ चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ और ये देखें जी, ये हमारी गाड़ी खुली पड़ी है, इसके भी छोटे मोटे बाकी भी ये मुखियाँ वगैरह इसकी थोड़ी सी हमने जो है ना वो वेल्डिंग करवाई है, क्योंकि उस पर जो है ना जंग वगैरह लगा हुआ था। पकाया भी गाड़ी का सामान, ये देखें ये चिमटे वगैरह पड़े हैं, ये गाड़ी के शॉक्स पड़े हैं न्यू। बाकी अब साथ साथ चल रहा है काम, आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। A few hours later. लो जी जनाब हम लोग थक टूट के कुटी के जलीलो अखबार हो के हम लोग जो है ना घर वापस आ गए हैं, गाड़ी हमारी जो है वो उधर वर्कशॉप ही खड़ी हुई है, उसके सस्पेंशन का कुछ जो है ना वो फिटिंग वगैरह जो है ना वो एक साइड से हो गई थी और एक साइड की जो है ना वो रह गई थी। अभी हम लोग जो है ना वो आए हैं घर वापस, जो उसका छोटा मोटा जो है ना वो काम जो है कुछ जो है ना रह गया था, तो हमने कहा कि वर्कशॉप में उधर ही गाड़ी जो है ना वो खड़ी कर वो लेके आना और ये और वो, इस तरह हम साथ दूसरा भी जो है ना उसका सुबह जाते हुए लेट हो जाते हैं, फिर उनका काम लेट हो जाता है ना। हाँ वो जिस टाइम भी आएंगे वो अपना काम रूटीन से अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे वो। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ कल मज़ीद जो है ना दोबारा नेक्स्ट वीडियो में साथ भी जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। काम आज मैं बाकी भी बता देता हूँ, उसके मैंने जो है ना वो फिर बस भाग दौड़ के अंदर वो ब्रेक जो है ना वो कैलिपर की जो है ना उसकी वो पिंस वगैरह और सस्पेंशन में हमने बेसिकली हमने सारा मुकम्मल हमने जो है ना वो गाड़ी उतरवा दी है, चारों शॉक्स भी जो है ना वो हमने जो है ना वो कर दी, उसके रिप्लेस कर दिए हैं, अगले जो है ना वो कॉयल ओवर्स जो है ना वो स्प्रिंग्स जो हैं वो भी हमने जो है ना वो उसके करवा दिए, चेंज करवा दिए हैं, पिछले शॉक्स जो है ना वो भी हमने ब्रांड न्यू जो है ना वो डाले हैं, वारंटी वाले हैं वो भी, और अगले शॉक जो है ना वो हमने लिए हैं काबली लिए हैं लेकिन वारंटी उनकी भी है, और उसके अलावा जो ना बैच जो है ना वो पिछले स्प्रिंग जो है ना वो हमारे ठीक हैं, वो बाकी हम चला के देखेंगे, अगर उसका भी हमें ज़रूरत हुई तो जो है ना वो फिर हम उनको भी देखेंगे। रिप्लेसमेंट ना बैक सस्पेंशन की इसकी बड़ी इजी है, इसके शॉक्स अलग फिट है और इसके जो है ना स्प्रिंग्स वो अलग फिट हुए रहते हैं, जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनके ऊपर तो जो है ना वो शॉक्स के ऊपर स्प्रिंग जो है ना वो फिट हुए रहते हैं, उनकी फिटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो उतारते हुए भी, और वो आपको इवन के सस्पेंशन कॉस्ट में भी आपको जो है ना उनका डिफरेंस होता है, वो शॉक्स महंगे मिलते हैं आपको, लेकिन उनमें एक ये है कि आपको वो रिपेयर हो जाते हैं, और जो है ना आपकी ये इस तरह शॉक्स और स्प्रिंग जो अलग हैं उनकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी कॉस्ट भी जो है ना वो बहुत बड़ा इनाम है। अब हमें 5500 के मिले हैं शॉक्स, हाँ 5500 के अब हमें जो है ना वो बॉक्स पैक जो है शॉक्स इसके में मिल गए हैं, जिनकी 6 माह वारंटी भी है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो है ना वो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बेहतर होंगे, और बाकी इंशाल्लाह हमने कल अब जाके हमने जो है ना उसका गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह भी खोलना है, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड का हम जो है ना उसका देखेंगे, उसको अगर तो ट्राई करेंगे हमें जो है ना कि वो पैड उसका जो है ना वो डैशबोर्ड का अगर हमें कोई अच्छी कंडीशन में जेन्युइन कंडीशन में कोई बगैर कोई जो है ना किसी के जो है ना वो ख़राब हुआ कोई हमें को अगर तो मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम जो है ना जिस तरह लास्ट वीडियो में शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखी तो आप वीडियो देख लें,
जो करोला 88 जो है उसको जो हमने किया था रिस्टोर, उसका हमने जो है ना वो पेंट करवाया था। हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ पे है एक रिपेयरिंग वाला, बहुत अच्छा पेंट कर देता है वो, बिल्कुल सेम लाइक ओरिजिनल, वो पता ही नहीं लगता कि जो है ना वो आपका पेंट हुआ और रिपेयर हुआ हुआ है। इसका डैशबोर्ड वैसे सिर्फ सेंटर से जो है ना वो थोड़ा सा एक उसका छोटा सा इतना सा पैच है, लाइक 2 to 3 inches जो है ना वो इसका पैच है। बाकी इसका डैशबोर्ड 100% जेन्युइन है और साफ है बिल्कुल, मीटर भी जबरदस्त है, बाकी हर चीज़। बाकी वैसे ना इंटीरियर वाइज बाकी गाड़ी के जो हमने वो नीचे से देखे हैं, गाड़ी के फर्श वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन फर्श है और कोई नहीं, कोई मतलब जो है ना कोई पीस भी नहीं लगने वाला। सिर्फ आगे वाली मतलब जो है ना वो जो मुखियाँ होती हैं ना उसकी गाड़ी की, वो वहाँ पे जो है ना वो लगने वाली थी, वो हमने जो है ना वो लगवा ली हैं। और बाकी जो है ना छोटा मोटा जो है ना वो बाकी रोज रोज वर्कशॉप किसके चक्कर ना हो, जो एक कंसेप्ट बना हुआ कि ये पुरानी गाड़ी है ये रोज हम वर्कशॉप ही लेके रहेंगे, इंशाल्लाह इस कंसेप्ट को हम जो है ना नहीं ये इंशाल्लाह हम जो है ना पहुंचाएंगे, अवेयरनेस हम देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये जो है ना चीज़ इंशाल्लाह, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी करोला 88 के प्रोजेक्ट में भी, उसमें मैंने बताया था कि जो है ना कि हम ये चीज़ लेके आना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं कि पुरानी कार्स को जो है ना वो उसको रिस्टोर किया जाए। तो लो बजट कार है देखें तो बेस्ट है। फिर हमने इसका इंशाल्लाह एसी भी हमने करवाना है, एसी के भी जो आज हमने जो है ना वो एसी के जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं उनके पास हम गए हैं, उन्होंने कहा कि आप इंशाल्लाह बाकी गाड़ी का काम करवा लो और मतलब जो है हम समय लें अपॉइंटमेंट ले आए हम उनसे, तो वो कहते हैं कि हम ना इंशाल्लाह आप ले के आएँ, आपको मैं आपकी मर्ज़ी का मैं एसी बना के दूंगा। उसको हमने कहा है कि भाई हमें ना बिल्कुल चिल एसी चाहिए और मतलब ना गाड़ी के जो है एक तो जो वो होता है कंप्रेसर का लोड होता है इंजन के ऊपर वो भी ना आए, और मतलब न्यू टेक्नोलॉजी की जो है ना वो पुरानी गाड़ियों वाला एसी ना हो इसका मतलब। हाँ। जिस तरह आजकल की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक इसका एसी हो ना, इंजन पे लोड हो ना फ्यूल पे इतना वो डिफरेंस उसका हो, और एसी की कूलिंग भी जो है ना वो ज़बरदस्त एसी हो इसका इंशाल्लाह। तो बाकी कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।